हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज फिर हमने सेम वही कैपेसिटर से रिलेटेड डिस्कशन करनी है। आप भी कहते होंगे इस कैपेसिटर ने तो हमारा दिमाग खा लिया, बट डोंट वरी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे हमारा ये फिनिश हो जाएगा और एक छोटा सा टॉपिक है, जस्ट वी हैव टू कवर इट। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपने कैपेसिटेंस तो निकाल ली थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की, अब आपने क्या करनी है, एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी डेंसिटी को मैं सिंपल रिप्रेजेंट करता हूं बाय द यूडी। ये आपके पास है क्या, कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। अब आपको पता है एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हमने फाइंड आउट किया था हाफ ऑफ सीवी स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होता है कैपेसिटर का, जैसे सपोज करो मैं कहता हूं ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस टाइप से मैं कंसीडर कर रहा हूं कि जस्ट मेरे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और डी दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ए आपके पास एरिया ऑफ दिस प्लेट और डी है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। क्लियर स्टूडेंट्स, ए एरिया इस प्लेट का है और डी दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारे पास। तो अब आपके पास होगा क्या कि वॉल्यूम क्या होता है कि मींस मैंने बोला कि इस टाइप से प्लेट है, दोनों पैरेलल है और डी दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस, और ए क्या है इसका एरिया। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो आपके पास क्या आ गया, हाफ सी। कैपेसिटेंस कितनी होती है पैरेलल प्लेट की, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, और ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू डी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या होगा, ए से तो ए कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर और ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे डी स्क्वायर। अब वी बाई डी क्या होता है हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपके पास वी बाई डी क्या होगा, ई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी। मतलब ये है कि कई बार इससे रिलेटेड क्या होता है, एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें ये वाला फार्मूला भी याद रखना है और ये वाला तो रखना ही है। वैसे तो क्या होता है कि अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है देन एट ए टाइम आप ये वाला खुद बना सकते हो फार्मूला। क्यों, क्योंकि आपको पता है ई इक्वल टू वी बाई डी है, क्योंकि एक दो बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया होगा इस रिलेशन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो पता नहीं थी, बट ये है कि अगर आपको ये फार्मूला पता है देन इसके थ्रू आप ये वाला फार्मूला फॉर्म कर सकते हो वी बाई डी। कितने फार्मूले याद रखोगे, तो इतना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप ये वाला याद रखो, इससे आप ये वाला फॉर्म कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?